नमस्कार जी, मैं शुभम सावन, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। आज जो गाड़ी आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ, कुछ दिन पहले आपने इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस देखा था। आज जो है अपने एंड से इसका आपको एक एक्सपीरियंस दूंगा कि इस डेट में, इस ज़माने में ये जो गाड़ी है, अपना बेस मॉडल की बात तो चलो अलग है, बिल्कुल ही मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी है। चलाने में जो है ये गाड़ी कैसी कुछ है, क्योंकि इसके अंदर आता है मारुति का वही 1.5 लीटर का K15B इंजन, जो निकालता है केवल 102 BHP और 137-138 Nm का टॉर्क बस, ठीक है। बट गाड़ी के अगर साइज की बात करूँ तो ये मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और साइज जो है ना इसका अच्छा खासा आपको हल्की जो है SUV स्टैंड में ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इतनी बड़ी साइज के अंदर सिर्फ इतनी छोटा सा इंजन, इतना मैं कहूँगा अंडर पावर्ड इंजन बोलूँ या क्या बोलूँ, कितना कुछ इस गाड़ी को जस्टिफाई करता है इंजन, आज मेरे को ये पता करना है। तो सबसे पहले अब मैं चलते चलते इसके पीछे आ गया, आपको जो है फटाफट से इसकी चाबी दिखा देता हूँ। ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा की बेस मॉडल की चाबी, आप देख सकते हो, जिसमें आपको कीलेस एंट्री और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है। आपको इसके हुड में ले चलूँ तो ये लो जी, ये रहा इंजन जो है 1.5 लीटर का K15B, जो निकालता है अपना 102 BHP, 103 BHP और 138 Nm का टॉर्क। माइल्ड हाइब्रिड फंक्शन के साथ आता है, देखो प्रॉपर हाइब्रिड भी आती है ग्रैंड विटारा में ऊपर वाले मॉडल में, बट ये माइल्ड हाइब्रिड वाला वेरिएंट। देख लो साहब, ये इंजन है, बहुत ज़्यादा ओपन ओपन इंजन पे, आप इसका इंजन हटा के दूसरे इंजन गाड़ी का, किसी और गाड़ी का बहुत ज़्यादा पावर वाला इंजन लगवाना चाहो तो अलग बात है। अब बहुत चीज़ें ना इसकी यहाँ पर एक्सपोज्ड है, ठीक है, मतलब अब ये ठीक भी चीज़ बोलूँगा, ख़राब भी चीज़ बोलूँगा, मैकेनिक लोगों के लिए ना ये बड़ी आसान चीज़ है सर्विस करने के लिए, मान लो लाइट को कुछ हो जाए, बिल्कुल ही एक्सपोज्ड है, यहाँ पे सब कुछ खुला खुला आपको दिखने वाला है, क्योंकि यही इंजन आपको छोटी गाड़ी के अंदर भी मिलता है। अब सामने आओ तो DRL आपको जो है बेस मॉडल से मिल जाते हैं तीन, सामने से ये गाड़ी बिल्कुल फ्रॉन्क्स लगती है, मारुति ने जो अपनी फ्रॉन्क्स लॉन्च करी है, आगे से बिल्कुल एज इट इज़ लगती है, थोड़ा बहुत मेरे को हल्का सा फर्क लगता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको LED लाइटें आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगी, अंदर आपको प्रोजेक्टर जरूर मिलता है बट हैलोजन फीचर के साथ मिलता है। ये देख ली आपने, ये रही इसकी DRL, ये रही इसकी जो है आपको लाइट, फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं है, जब से ये अलग डिज़ाइन है ना, ये हेडलाइट नीचे कर दी, DRL ऊपर कर दी। यहाँ पर आपको बड़ी सी क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, बीच में बहुत बड़ा सा आपको सुजुकी का लोगो मिलने वाला है, और साइड में आ जाऊं तो सबसे पहले इसके अलॉयज की बात करूं, बेस मॉडल में आपको ये अलॉय नहीं मिलने वाले, ये है टायर टॉप मॉडल वाले, अलॉयज भी टॉप मॉडल वाले 215/60R17, थोड़े से आपको लो प्रोफाइल लगेंगे बट हाँ, आप जो है अपने टायर इसके ऊपर अपग्रेड करवा सकते हो, थोड़े और भारी आप टायर लगवा सकते हो और बेटर ग्रिप के लिए। अब साइड में आ जाऊं तो यही लुक जो है आपको सेम टोयोटा की हाईराइडर के अंदर मिलेगी, आगे पीछे लाइट का ग्रिल का फर्क है, साइड से दोनों गाड़ियों का स्टैंड बिल्कुल सेम है। बेस मॉडल है तो आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बेस मॉडल में ही आपको जो है ऑटो फोल्डिंग ORVM मिलने वाले हैं, जिसमें आपको जो है टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। फीचरों का बड़ा कुछ ध्यान रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो है आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है बेस मॉडल में, ये भी मिल जाता है, मानना पड़ेगा भाई इनके बेस मॉडल को। पीछे आ जाऊं तो प्रॉपर जो है LED की आपको टेल लाइट मिलने वाली है, हल्की सी आपको कनेक्टेड लगेगी, बीच में जो है इसने सुजुकी के लोगों ने जो है कनेक्शन होने से रोक दिया, बट यहां पर आपको जो है स्मार्ट हाइब्रिड का मिल जाएगी बैजिंग, प्रॉपर जो हाइब्रिड आती है वो ब्लैक कलर में बड़ा सा ऐसा हाइब्रिड लिखा आता है इसके अंदर, ग्रैंड विटारा की लोगो आपको यहां पर मिल जाएगी। अब एक चीज ना इसके अंदर मेरे को लगती है बहुत खराब, सेम जो है मेरे को हाईराइडर के अंदर भी अच्छी नहीं लगती, टर्निंग इंडिकेटर और रिवर्स की जो लाइट है आपको यहाँ पर मिलेंगी बिल्कुल हैलोजन के अंदर, यहाँ पर अगर कहीं एडजस्ट कर दी जाती तो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक होता है, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक पार्किंग कैमरा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो बेस मॉडल की अगर बात करूँ। अब चलते हैं इसकी डिग्गी में, देखो क्वालिटी गाड़ी की हल्की है मानना पड़ेगा, ठीक है जी, कितना ही इम्प्रूव कर ले मारुति उस स्टैंडर्ड तक कभी नहीं आ सकती, पहले आ चुकी है किजासी और एस्क्रॉस जब आती थी, असली मारुति लोहा तो मैं वही मानूं आज तक। अब इसके बूट स्पेस की बात करूं, अच्छा खासा आपको जो है बूट स्पेस यहां पर मिल जाता है, पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही, बेस मॉडल है इसलिए, और 60-40 स्प्लिट का आपको जो है यहां पर फंक्शन मिल जाएगा बीच की जो सीट है उसके लिए। पीछे स्पेस अच्छी खासी है, मैं तो ये बोलूंगा गाड़ी के अंदर लेग स्पेस भी अच्छी है, गाड़ी की इंटीरियर भी स्पेशियस है, साथ ही साथ आपको जो है बूट स्पेस भी तगड़ा मिल जाता है, तो स्पेस के हिसाब में आपको इस गाड़ी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। हाइट अगर छोटी है तो ये पकड़ के दम नीचे,
अब बाहर से इतना ही है इसका वॉक अराउंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ये जो है इसकी फ्यूल टैंक खोलना हो आप अंदर से खोल सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का अच्छा है मेरे ख्याल में, 205 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो एक्चुअल में ना बहुत बढ़िया लगता है। अब इंटीरियर में अगर आऊं, गाड़ी का स्पेस देख के हैरान हो जाए आदमी। पहली बात तो ये गाड़ी बेस मॉडल है, चारों आपको जो है पावर विंडोज इसके अंदर मिल जाएंगी। ये रहा यहाँ पर स्विच, हल्का सा आपको क्रोम का इंसर्ट यहाँ मिलेगा, हल्का सा जो है वाइन कलर बोलूँ इसको मैं तो, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हल्का सा सिल्वर का एक्सेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रॉपर आपको यहाँ ब्लैक मिल जाएगा, ये आपको फैब्रिक मिलेगा। आप आफ्टर मार्केट इसके ऊपर लेदर चढ़वा सकते हो। बैठूँ अगर गाड़ी के अंदर, अब एक चीज़ मैंने नोटिस करी, इस गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है एक्चुअल में बहुत बढ़िया है। सीट्स की बात करूँ तो सीट्स कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, अपना जो है आपको लेग स्पेस ठीक मिलती है, अच्छी खासी लेग स्पेस मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट में हल्की सी मेरे को इशू लगा, पीछे का बैक जो है बिल्कुल थोड़ा सा आपको सीधा सीधा लगेगा। बेस मॉडल के अंदर आपको आर्म रेस्ट मिलता है भाई, दो कप होल्डर के साथ। मैं तो ये सोच रहा हूँ, बेस मॉडल देख के हैरान हो रहा हूँ मैं। मैंने हाई राइडर का बेस मॉडल कभी नहीं देखा था, ना मैंने ग्रैंड विटारा का देखा था। अगर मैंने देखा होता ना, मेरे को आइडिया होता, हो सकता है मैं इसकी हाई राइडर खरीद लेता। मैं यहाँ की बात करें तो ये आफ्टर मार्केट नहीं लगा हुआ है, लगा तो कंपनी से ही है, बट एक्सेसरी का पार्ट है। बेस मॉडल में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलने वाला है, ये टॉप मॉडल की एक्सेसरी है। तो ऊपर वाला मॉडल लो मतलब, तो आपको ये मिल जाएगा जिसके अंदर आपको जो है पीछे के एसी वेंट मिलेंगे, वर्किंग है। यहाँ से आप जो है अपनी विंड की जो है स्पीड चेक कर, वो कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब फैब्रिक की सीट्स हैं, कुछ नहीं है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हेड स्पेस जो है इस गाड़ी की मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर जो है आपको लाइट भी मिल जाती है एलईडी की दोनों तरफ। यार थोड़ी चीज़ें तो मेरे को लग रहा है अच्छी हैं इस गाड़ी के अंदर। अब पीछे तो इतना ही था, चलते हैं ड्राइवर साइड और फिर पता करते हैं कि ड्राइवर अगर इसके अंदर बैठता है तो ड्राइवर साइड से आपको जो इस गाड़ी का कैसा कुछ मामला मिलने वाला है। सबसे पहली बात, मेरे जेब में चाबी है, लॉक, ठीक है जी, अनलॉक, बैठ गया हूँ मैं। अब भाई साहब मेरी है 12 साल पुरानी फॉक्सवैगन पोलो, वो खड़ी, ठीक है जी। उसके दरवाजे ना लॉक होते हैं आराम से, लॉक इसके भी हो रहे हैं, बट दरवाजे में वजन इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अब यहां पर आ जाऊं, सबसे पहले लाइट बंद कर देता हूं, पी 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 हो रखी है। बेस मॉडल के अंदर आपको जो है ऑटो ड्राइवर वाला जो है अप डाउन वाला मिल जाएगा, वन टच वाला। अब बेस मॉडल के अंदर आपको जो है ORVM फोल्ड करने का मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी लॉक अनलॉक करने का आपको यहाँ पर स्विच मिल जाएगा। और यहाँ की बात करूँ तो बॉटल होल्डर की भी स्पेस अच्छी खासी है आपको, ठीक है। ये गाड़ी बेशक बेस मॉडल है, कहीं से भी आपको चीप फील नहीं होने वाली है, मैं तो यही बोलूँगा। ये थोड़ा सा उस तरफ कर देता हूँ मैं। अब बेस मॉडल है बेशक, बट ये जो है आपको यहाँ पर हाइट एडजस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है आप यहाँ का जो है सपोर्ट अपना एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है अपनी सीट आगे पीछे कर सकते हो। अब आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, और बैठते ही ना क्लच दबाता हूँ मैं, गाड़ी कर देता हूँ स्टार्ट। दरवाजा मैंने कर लिया है बंद, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेयरिंग के ऊपर आऊं, बेस मॉडल है बेशक, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, बट स्टेयरिंग माउंटिंग ऑडियो कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आफ्टर मार्केट आप चाहना चाहो तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी लगवा सकते हो। अब ये जो इसकी स्क्रीन है ना, बहुत ज़्यादा आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे देगी, ठीक है। माइलेज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी दे देगी। यहाँ से मैं एडजस्ट करूँ तो कितनी माइलेज वैसे दे रही है आपको, ड्राइविंग टाइम बता रहा है, आइडियल स्टॉप टाइम बता रहा है, क्लॉक दिखाती है, मोशन दिखाती है, टॉर्क पावर आउटपुट दिखाती है, एक्सेलरेशन और ब्रेक का वो दिखाती है, रीजनरेशन वाला चीज़ दिखाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है एक स्मार्ट हाइब्रिड वाला फंक्शन। नीचे की बात करूँ आपको जो है यहाँ पर, पहली बात तो इंजन के टेम्परेचर का मिल जाएगा आपको यहाँ पर जो है अपना, ये देख सकते हो, फ्यूल गेज मिल जाएगा। सारा जो है आपको यहाँ पर सुई वाला मामला मिलेगा, यानी एनालॉग मिलेगा। बीच में आपको एक कलर वाली डिजिटल स्क्रीन मिल रही है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है, यहां से कर लेते हैं। अब सीट्स की बात करूं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरे को सीट्स बहुत प्यारी लग रही हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, या यहाँ पर आए, चलो यहाँ पर, यहाँ से बात करनी शुरू कर देते हैं। आपको जो है डिग्गी खोलने का और आपको जो है फ्यूल वो खोलने का यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो आपको
हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इधर आ जाए तो आता है इसका इंटीरियर, जहाँ पर आपको आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगवानी पड़ेगी अगर बेस मॉडल है। बट यहाँ का मामला जो है ना, अप्रोक्सीमेटली आपको टॉप मॉडल में भी ऐसा ही मिलता है, ठीक है। स्विचेज ये वाले हैं तो आपको चीप फील नहीं होने वाले, क्वालिटी इनकी ठीक लग रही है मेरे को। ट्रैक्शन ऑफ करने का यहाँ पर बटन मिल जाता है, गाड़ी ऑटो स्टार्ट स्टॉप होने वाला आपको फंक्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसको मैं ऑफ ही रखूँ तो ठीक है। 5 स्पीड का आपको गेयरबॉक्स मिल जाता है, जो मैं कहूँगा इस गाड़ी के अंदर छठे गियर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 2 कप होल्डर की आपको स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी, 1 आपको जो है यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाएगा, जो कि लगाना और डिसएंगेज करना बहुत आसान है। अब आ जाऊँ आर्मरेस्ट के ऊपर, तो इतनी आगे तक निकल सकता है, इतनी पीछे भी कर सकता है, इसको ऊपर करो तो आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मिल जाती है। अब इंटीरियर के कलर की वो बात करूँ, कलर स्कीम की बात करूँ, तो सेम गाड़ी अगर आप टोयोटा वाली खरीदते हो हाई राइडर, तो आपको अंदर थोड़ा सा ब्राउन वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पर आपको हल्का सा वाइन वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ठीक है, जगह बहुत बड़ी स्पेस नहीं है इसके अंदर, बट इंटीरियर भी आपको कहीं से बहुत ज़्यादा चीप फील नहीं होने वाला है। बाकी बताने को यहीं पर इतना ही है। ये आपको जो है अंदर LED वाली लाइटें मिल जाती है, आपको जो है IRVM भी अपना यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से। स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग का एडजस्ट भी आपको रीच वाला भी है, रेक वाला भी है, दोनों वाला आपको यहाँ पर मामला मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल मेरे को फिनिश यहाँ पर अच्छी लग रही है। आगे बात करूँ तो मेरे को बोनट प्रॉपर विजिबल है, मैं सीट और ऊंची करना चाहूँ तो मैं सीट पूरी ऊंची एक बार कर लेता हूँ, जिस हिसाब से मैं और गाड़ियों की रखता हूँ, हल्की सी जो है रिक्लाइन कर लेता हूँ। यार सिटिंग पोस्चर एक्चुअल में गाड़ी का बहुत ज़्यादा कमाल है, लेकिन चलने में ये गाड़ी कितने कमाल है अब मेरे को ये देखना है। तो करते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शुरू। तो अब जो है गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ मैं, क्लच दबाए, गियर एंगेज कराए, गाड़ी जो है पहले गियर पे उठा लिए मैंने। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं जो मेरे को इस गाड़ी के अंदर फील हुई, गाड़ी जो है स्पेशियस है, ठीक है। आपको गाड़ी चलाते टाइम कहीं से भी यूं नहीं लगने वाला कि बहुत ज्यादा कोई छोटी गाड़ी आप चला रहे हो, अच्छी साइज की गाड़ी है, शहर के लिए भी बहुत अच्छे साइज की गाड़ी है ये, चलाने में कंफर्टेबल। स्टेयरिंग थोड़ा सा एंड में एंड मेरे को लग रहा है, स्टेयरिंग अलाइनमेंट मांग रहा है, ठीक है जी। ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी के अंदर। अब स्मार्ट हाइब्रिड वाला फंक्शन है तो इसकी वजह से आपको जो है एवरेज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और सस्पेंशन जो है मैं यहाँ पर हल्के से टेस्ट करूँगा, क्लच जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पेट्रोल गाड़ी है इस वजह से, और एंगेज भी आराम से हो जाता है। बहुत कंफर्टेबल सस्पेंशन है। अब दूसरे गियर में इस गाड़ी को अगर मैं खींचूं, यार देखो इंस्टेंट आपको बहुत तगड़ा पिकअप नहीं मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, बट गाड़ी चलने में ना स्मूथ है, ठीक है। आपको यूं नहीं लगने वाला, अंडर पावर्ड तो नहीं लगेगी, आपको यूं लगेगा कि हाँ NA इंजन है, NA की वजह से जो है गाड़ी उस हिसाब से बिहेव कर रही है। गेयर एंगेज बड़े प्यार से हो जाते हैं, क्लच जो है बहुत ज़्यादा लाइट है, ब्रेकिंग भी जो है इस गाड़ी की मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है गाड़ी का, यार क्या बात। अब एक चीज़ मैं ना गाइड करता हूँ, विटारा ब्रेजा जो है ना, मतलब नॉर्मल ब्रेजा आज की तारीख में लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका ZXI वाला जो वर्जन है, या VXI की बात करूँ, ZXI की बात करूँ, उसकी रेंज में या उसके टॉप मॉडल की रेंज में आपको इसका बेस मॉडल मिल जाएगा। अगर आपको, मैं ये बोलूँगा, सनरूफ का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, उससे बेहतर गाड़ी तो ये है। मैं अगर कंफर्ट की भी बात करूँ, सीट्स इतनी कुछ नहीं सीट्स हैं भाई इसकी, और इंजन दोनों गाड़ियों में सेम है, परफॉर्मेंस का कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं दोनों गाड़ियों के अंदर, बस स्टेयरिंग थोड़ा सा, यार सौ पे गाड़ी चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 पे चल रही है गाड़ी, लेकिन 3000 RPM के आसपास इसकी सुई पहुंची हुई है, तो एक गियर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसके अंदर, छठे गियर की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। आपको इंजन हल्का सा नॉइजी लगने लगेगा 100 की स्पीड पे, जो कि यार आज की तारीख में इतने एक्सप्रेस वेज है जिन पे 120 की 130 की वो है, तो 100 पे भी अगर भैं 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 इंजन करे तो इतने मज़े नहीं आते हैं। यहाँ से घुमा लेते हैं, पहला गियर मारा,
4000 आरपीएम के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा खिंच रही है गाड़ी। ठीक है यार, अंडर पावर्ड तो नहीं है, जो मेरे को लग रहा था कि बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है। और इतनी भी आप खींच के गाड़ी को चला रहे हो, उसके बाद भी आपको जो है 12-13-14 ऐसे एवरेज गाड़ी के अंदर मिले, पेट्रोल गाड़ी के अंदर वो भी, तो मैं कहूंगा जी है अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बात लगी मेरे को। अब आता हूं इसके स्टेयरिंग के ऊपर। देखो लो स्पीड्स पे आपको बहुत ज्यादा इमेंसली लाइट फील नहीं होएगा, बट वजन इसका ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट स्टेयरिंग भी इतना मजेदार नहीं होता। हाई स्पीड पे भी स्टेयरिंग बहुत बढ़िया है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा लोकेशन इसकी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। अब मैंने इसका ट्रैक्शन जो है ऑफ कर रखा है, एक लेता हूँ इसका हल्का सा लॉन्च। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में गाड़ी आपको जो है कॉन्फिडेंस अच्छा खासा देती है। अब मैं ना इस गाड़ी का सीधा सीधा कंपैरिजन करता हूँ कुछ दो तीन जो है इसके सेगमेंट में जो गाड़ी आती है, जो कि आ गई किया की सेल्टोस, हुंडई की क्रेटा। ठीक है, अब दोनों गाड़ियों या ये जो दोनों कंपनी है किया, हुंडई और मारुति, ठीक है, इन गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के अंदर जमीन आसमान का फर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 19-20 का फर्क दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है। सेम रेट में आपको जो है ना किया का जो है बेस मॉडल डीजल मिल जाता है, 20-30-50 हज़ार रुपये महंगी मिलेगी जो अपना सेल्टोस है, और क्रेटा भी जो है आपको बेस मॉडल डीजल में मिल जाएगी सेम प्राइस रेंज में। तो मैं कहूंगा उन गाड़ियों के ऊपर जाना थोड़ा मेरे को बेनिफिशियल लगता है। क्यों? पहली बात तो वो गाड़ियाँ पावरफुल ज़्यादा हैं इससे, दूसरी बात वो गाड़ियाँ डीजल के अंदर है तो एवरेज भी कहीं ना कहीं देखो फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, बट ये गाड़ी पेट्रोल में भी उतनी एवरेज निकाल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसके अंदर। सारी चीज़ें यार बढ़िया है, अभी तक मेरे को कोई कमी इस गाड़ी के अंदर ऐसा सच फील हुई नहीं। इसका सस्पेंशन इतना प्यारा लगा मेरे को, माइंड ब्लोइंग भाई। ठीक है, प्राइस के हिसाब में यही बोलूंगा, इंजन थोड़ा सा अंडर पावर तो फील नहीं होएगा, बट थोड़ी और पावर निकालता तो कहीं किसी हद तक थोड़ा आपको और अच्छा फील होता। एक गियर की आपको इस गाड़ी के अंदर कमी बिल्कुल हाई स्पीड पर महसूस होने वाली है। और स्टेयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ठीक है, हल्का सा ये है ना, इस तरफ कर दो तो यूं ही चलती रहती है, इस तरफ कर दो तो यूं ही चलती रहती है, ये जो है मारुति का अलाइनमेंट मांग रही है फिलहाल ये गाड़ी। बट स्टेयरिंग जो है बेटर हो सकता था। अब स्टेयरिंग का रिस्पांस जो है ना आपको किया और हुंडई के अंदर बेटर मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से राइट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप रेस छोड़ दो ना तो ये बैटरी रीजनरेशन वाला आपको यहाँ पर दिखने लग जाता है। भाई बहुत प्यारा सस्पेंशन है यार, खींचो दूसरा गियर 80 और ब्रेकिंग 3-2-1, बिल्कुल बैठा नहीं था ब्रेक के ऊपर मैं, बट ठीक है यार ब्रेकिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाता हूँ इसकी जो मेरे को मेन कमियाँ लगी हैं इस गाड़ी की। सबसे पहली बात छठे गियर की कमी है। ठीक है, और क्या ही कमी है यार, एवरेज ये गाड़ी आपको बहुत बढ़िया दे रही है। ठीक है, इंजन आपको जो है पावर थोड़ा और निकालता है इंजन, बस वो कमी लगी मेरे को, और कोई खासा इस गाड़ी के अंदर मेरे को अभी तक कमी नहीं लगी है। तो ओवरऑल इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैं सम अप करके बताऊं, गाड़ी चलने में माइंड ब्लोइंग है। कंफर्ट के अगर हिसाब से बताऊं, आपको पावर की कमी फील होगी, आपको स्टेयरिंग का यूं लगेगा कि कहीं ना कहीं और बेटर परफॉर्म कर सकता था इसका स्टेयरिंग, बट चलने में गाड़ी बहुत बेइंतहा कंफर्टेबल है यार, मैं तो यही बोलूंगा। अब मेन सवाल जो है आपका ये आएगा कि लेनी कितनी कुछ जो है किफायती है गाड़ी। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जो हो, अगर डीजल लवर हो या माइलेज का आपको फर्क पड़ता है, पावर तो ऑब्वियसली जो है इसी रेंज में आपको किया और हुंडई ज्यादा देगी डीजल इंजन के अंदर, बट डीजल से आपको हाथ ही जोड़ने हैं
तो कहूंगा किया और ह्यूंडई के पेट्रोल से तो बेटर है ये वाला जो पेट्रोल वेरिएंट है, बहुत ज्यादा बेटर है। स्पेशली अगर इसका आप डीजल वाला वेरिएंट लो, डीजल कह रहा हूँ मतलब बेस वाला वेरिएंट लो इस गाड़ी का, तो बहुत ज्यादा किफायती आपको पड़ने वाली है गाड़ी, सारे आपको फीचर मिलने वाले हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बेहतरीन है। तो सिर्फ दो कमियां, ठीक है जी, बाकी चलने में गाड़ी A1 टनाटन। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का समअप करके बताऊं, छठे गियर की कमी आपको फील होगी, आपको यूं लगेगा इंजन अंडर पावर तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं है कि जो है इसके पैसों को जस्टिफाई कर पाए। गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको जो है सीट्स प्यारी लगने वाली है, आपको जो है इसका सस्पेंशन सेटअप प्यारा लगने वाला है, व्यू बहुत बढ़िया गाड़ी का, ब्रेकिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्टेयरिंग के एरिया पे हल्का बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिल सकती थी। तो यही थी आज की वीडियो, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगे, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये देख कैमरा मैन धन्यवाद।